मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स, आप बच्चों के माता पिता से कैसे बात करेंगे और क्या बात करेंगे? जब भी पेरेंट्स मीटिंग होगी स्कूल के अंदर, तो टीचर्स, जो बच्चों के पेरेंट्स को जब स्कूल के अंदर बुलाया जाएगा, तो उनको सबसे पहले बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में बताया जाएगा। स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया जाएगा और वीकनेस के बारे में भी बताया जाएगा। अगर वीकनेस है स्टूडेंट की, तो उन पर पेरेंट्स को ये वीकनेस को कम, मतलब कि उनको घर पे ध्यान देने के लिए, अगर जो उनमें वो गलतियां करते हैं, या फिर जहाँ पे उनको घर पर सुधार किया जा सकता है, उन पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, व्हाट इज कॉमर्स? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। और व्हाट इज कॉमर्स एजुकेशन? कॉमर्स एजुकेशन सर, इंडस्ट्री कॉमर्स या फिर ये लेजर जर्नल, इन सब के बारे में, अकाउंट बिजनेस के बारे में बच्चों स्टूडेंट को स्टडी करवाना, या बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्राइवेट एंटरप्राइज क्या है, पब्लिक एंटरप्राइज क्या है, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज देना कॉमर्स एजुकेशन। Why are the rule of debit and credit same for both liability and capital? यस सर। सर अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कैपिटल है वो एक ओनर के लिए एज ए लाइबिलिटी शो होती है, क्योंकि बिजनेस का अलग वो अस्तित्व होता है और एक बिजनेसमैन का अलग अस्तित्व होता है। मैंने पूछा है कि लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को हम एक साथ डेबिट क्यों करते हैं, एक साथ क्रेडिट क्यों? रूल कौन सा क्यों, ऐसा क्यों है? लाइबिलिटी और देखिए कैपिटल एक से लाइबल, ट्रीट क्यों किए जाते हैं, ये पूछा है मैंने क्वेश्चन, शायद आपने गलत सुना। यस सर, तो डेबिट सर, जब जो लाइबिलिटी है उनको इंक्रीज, जब इंक्रीज होती है तो उनको डेबिट किया जाता है। सॉरी ओके, बताइए, इंक्रीज, लेजर अकाउंट बनाते टाइम जनरल फोलियो का कॉलम क्यों लिखा जाता है? सर पेज नंबर डालने के एसेट्स का बैलेंस क्या होता है लिए, डेबिट लायबिलिटी का? क्रेडिट सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बताइए। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जब मिलकर काम करती हैं, तो उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, जिसमें कोई एक अगर एग्जाम्पल प्राइवेट दिए, के पास, कोई जैसे एग्जाम्पल। सर ये कुंडली मानेसर हाईवे है, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग है, तो इनमें पैसा है जो वो प्राइवेट एंटरप्राइज लगाती है और प्राइवेट कंपनी लगाती है, और जो ये जमीन है प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बताना, सर टाइप्स बताने हैं वो। नहीं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, भाई इंश्योरेंस के टाइम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स होते हैं? यस सर, एट मोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी और प्रोक्सिमा कोज। क्या होता है प्रोक्सीमा कॉज? सर जब जैसे लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उस टाइम पर जो नहीं, जैसे सर जो भी जिस कारण से अगर वो से हानि हो रही है, उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे सर माल उसमें समुद्री जहाज में रख दिया है, तो किस कारण से हुई, अगर पानी के कारण से हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। अगर कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है, तो जो कंपनी है वो उसको कंपनसेट करेगी। सिक्योरिटी और प्रीमियम का अगर पैसा कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है? सर डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम से,
और बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं और डिस्काउंट को कवर किया जा सकता चलिए नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में कितने जिले हैं? है। 22 22। पंजाब तेईस के होना साथ कौन चाहिए, कौन से लगते हैं? क्या है, 23? 22 23 होगा 22, सर, 23? मेरे श्योर को नहीं हूँ। कंफर्म नहीं था। ओके, पंजाब के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्लानिंग? हेलो, कार्य करने से पहले सोचना, जैसे अगर प्लान करते तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सब प्लान करना, वो प्लानिंग। ओके, लेसन प्लान क्या होता है सरिता? सर लेसन प्लान, सर जब एक ईयर प्लान होता है, एक यूनिट प्लान होता है, और इसमें लेसन प्लान होता है जो एक लेसन का पूरा किस तरीके से उसको टीच किया जाएगा, क्या प्रोसीजर हो गया, क्या ये मेथड हो गया डेली बेस उसके बारे बनते हैं, में। एनुअल बेस बनते हैं, क्या होता है ये लेसन ये प्लान, सर टॉपिक वाइज, या मंथली बनते हैं, क्या कुछ वाइज सिस्टम होता है? मुझे बस इतना बताओ, ये ये डेली मंथली बेस बनते प्लान हैं, सर, डेली बनते लेसन हैं, या प्लान एनुअली बनते हैं? डेली बेस लेसन प्लान क्या? डेली बेस सर। ओ, डेली बेस, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न, डेबिट नोट कौन लिखता है? डेबिट नोट सर, डेबिट नोट सर वो परचेजर लिखता है सर, जो परचेज करता है वो वापस करता है। लेजर फोलियो के बारे में बताइए, क्या होता है लेजर फोलियो? लेजर फोलियो सर, जर्नल बनाते समय लेजर फोलियो का एक कॉलम डालते हैं हम, लेजर फोलियो जिसमें पेज नंबर लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब माल को खरीदा जाता है तो उस टाइम पे डिस्काउंट दी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट, वो जैसे जल्दी से जल्दी पेमेंट की जाए जिसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती है बुक्स अकाउंट में। मतलब जल्दी पेमेंट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट लेती नहीं, है। जल्दी पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट होगी सर, वो कैश डिस्काउंट होगी, ट्रेड डिस्काउंट सर उस पे दी जाती है जो लिस्ट प्राइस है उस पे। वेयर हाउसिंग के बारे में बताइए। वेयर हाउसिंग सर, जब माल को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाता है वहां वो उसको वेयर हाउस कहते हैं, ताकि उससे सर यूटिलिटी ऑफ ये टाइम है जो उससे को यूज कर किया जाता है कि जल्दी से जल्दी माल को बनाया जाए और आगे मिनिमम लिया जाए। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है तो उसको 90% अपने कैपिटल का को उस प्राप्त करना होता है, जो जिसे मिनिमम कौन सी सब्सक्रिप्शन कैपिटल कहते का? हैं। अथराइज कैपिटल का, इश्यू कैपिटल का, कौन सी कैपिटल का? 90% कौन सी अथराइज कैपिटल कैपिटल, का? अथराइज कैपिटल। ओके, हरियाणा के कौन से ऐसे जिले हैं जो जिसकी बाउंड्री किसी से नहीं लगती? सर एक रोहतक है और एक झज्जर है, शायद ओके, रोहतक और झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं लेसन प्लान बनाते टाइम? सर अभी ध्यान नहीं है, ये देखा नहीं, अभी ओके ओके, इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, इतना एक दो स्टेप ही देखे थे। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बताइए।
यस सर, जब कंपनी जो करंट अकाउंट होता है उसमें से जितना पैसा उस लिमिट से ज्यादा पैसा बैंक से उधार लेती है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। कौन लेता है ये बैंक लिमिट से ज्यादा? कोई भी ले सकता है क्या? सर बैंक जिसका अकाउंट है सर उस अकाउंट होल्डर को आप मिलता भी है। ले सकते हो क्या? यस सर, शायद सभी को कैश बुक के बारे में उतना बताइए। कंफर्म। कैश ट्रांजैक्शन के लिए सर कैश बुक बनाई जाती है जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव और पेमेंट की सारी ट्रांजैक्शन। डेबिट में सर कैश जो कैश आया है उसको डेबिट में लिखेंगे और जो कैश गया उसको क्रेडिट में लिखेंगे, उसको बोलते हैं सर कैश। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जो व्यवसाय का, जो बिजनेस का है, शेयर होल्डर या स्वामी या इन्वेस्टर के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो उसको बोलते हैं सर सामाजिक उत्तरदायित्व। ओके। परपेचुअल डिवेंचर क्या होते हैं? परपेचुअल डिबेंचर सर, नो सर अभी नेक्स्ट आता है फिर अपना हरियाणा पंजाब से अलग कब हुआ? 1966, 1 नवंबर 1966। एचपीएससी की फुल फॉर्म? हरियाणा सर्विस कमीशन, क्या? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन सर। ओके। नेक्स्ट बताइएगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संस्था सर, जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों होती हैं सर। जैसे नॉन प्रॉफिट तो सर्विस प्रोवाइड करती है बिना प्रॉफिट के, जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है सर। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर प्रॉफिट पर, जो प्रॉफिट के लिए ही काम करती है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो टीचिंग क्या होता है? ओके। सर। कम समय के, एक छोटे टॉपिक को कम समय के लिए कम बच्चों को पढ़ाना, माइक्रो टीचिंग। कितने टीचर मिलके पढ़ाते हैं माइक्रो टीचिंग में, एक या दो या ज्यादा? एक सर, और टीम टीचिंग क्या होता है? एक कई टीचर का ग्रुप मिलकर बहुत सारे बच्चों को टीच करे जैसे वो। ओके। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी कंपनी को पूरी करना कंपलसरी है? यस सर, सर जैसे जिन कंपनीज की नेटवर्क 1,000 करोड़ से ऊपर हो, नेट वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर हो, उन कंपनीज को अपना 2% CSR में लगाना पड़ता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस सर। ये एक सर्कुलर की तरह होता है जो कंपनी शेयर इशू करती है उस टाइम पे पब्लिक को इशू किया जाता है कि उसमें शेयर से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है, कितने की कैपिटल होगी, कितने का एक शेयर होगा, वो सब इंफॉर्मेशन होती है सर कंपनी शेयर और की। डिवेंचर में क्या फर्क है? शेयर हैं जो वो कम शेयर जो खरीदता है वो कंपनी के शेयर ओनर बन जाते हैं और जो डिवेंचर खरीदता है वो कंपनी के डिवेंचर होल्डर, मतलब कि उधार लोन होते हैं सर डिवेंचर तो, और शेयर हैं वो कंपनी के मतलब ओनर बन जाते हैं जो शेयर खरीदते हैं सर। इसमें जो डिबेंचर होल्डर में फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है और जो कंपनी को, और डिबेंचर और शेयर पे फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता है
एक अच्छे कॉमर्स टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, कंटेंट डिलीवर करना आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, और कॉन्फिडेंट, बस यही जाना है सर। बिजनेस फाइनेंस से आप क्या समझते हैं? जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उस टाइम पे कि जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। उसके कुछ सोर्सेज हैं जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म से जैसे BR हैं, या फिर थोड़े टाइम शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, और लॉन्ग टर्म में इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर ये सब यूज किए जाते हैं। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? रिक्रूटमेंट सर एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, और सिलेक्शन है जो वो नेगेटिव प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट में जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है उनको इनवाइट किया जाता है, और जो सिलेक्शन होती है उसमें पोटेंशियल एम्प्लॉय में से सिलेक्ट किया जाता है जो योग्य एम्प्लॉय है जो काम करने के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है? ट्रेनिंग सर एक कार्य से रिलेटेड एक दी जाती है जिससे उस कार्य में वो अच्छे अच्छे स्किल सीखे, अच्छा मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। हर एक स्किल पर ध्यान ना देकर उसकी जो ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है। ट्रेनिंग है वो एक वर्क से रिलेटेड होती है, और जो ये डेवलपमेंट है ये पर्सनली डेवलपमेंट होती है, वो किसी भी जो एरिया में मतलब अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, यही तक था इंटरव्यू। तो अब क्या क्या आपको करना है वो थोड़ा सा देखिएगा। पहला तो आप कॉमर्स एजुकेशन नहीं बता पाए। कॉमर्स एजुकेशन शायद आपने ये यूनिट पढ़ी नहीं है। सारी यूनिट नहीं पढ़ी क्या अब तक? 15 यूनिट आ चुकी नहीं है पढ़ी, सरिता। नहीं सर बीच बीच में पढ़ी है बीच तो बीच में क्या होता है? 15 की 15 अब तक तो हो जानी चाहिए ना। सबका इंटरव्यू हो चुका है भाई। चलो आपका भी हुआ था, एक यूनिट का, कौन सी का हुआ था, लेकिन सर। 10 को अगर आपका एग्जाम है तो 15 की 15 आपको याद होनी चाहिए थी। कॉमर्स एजुकेशन का मेन मोटिव ठीक है होता है सर, बिजनेसमैन क्रिएट, बिजनेसमैन बनाना। सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में आप सही नहीं ओके बता सर, पाए। आप बोले थे डिविडेंड इश्यू करना है, ये करना, टू द पॉइंट आपको होना चाहिए। वहां पर इतना ही टाइम होता है कि आप डायरेक्ट कर सको। एक हरियाणा के जिले 22 ही होते हैं। पंजाब के साथ कौन कौन से लगते हैं ये आप नहीं बता पाए। पंजाब के साथ सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, ये लगते हैं। वो समझने में समझने में नहीं, थोड़ा सा पढ़ो इसको, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। और इश्यूड कैपिटल का 90% है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके सर, हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं पता था तो उसमें बोलना है सॉरी सर मुझे नहीं पता। जैसे कॉमर्स एजुकेशन के बारे में आपको नहीं पता था तो बोलना था कि सॉरी मुझको नहीं पता। ठीक है, ऐसे गलत नहीं ठीक है बोलना सर। है। दो जिले हैं रोहतक और चरखी दादरी, जो जिसको किसी की सीमा नहीं लगती अदर अदर स्टेट की। यस लेसन प्लान के स्टेप आप याद करके जाइएगा। और तो ठीक था आपका। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन मैडम करेगी आपसे, तो वेट ए मिनट, 1 मिनट रुकना। आपका कोई मेरे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। सर, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कोई इशू है क्या? जैसे कुछ मैं भी नहीं है पढ़ाती कोई। हूँ तब थोड़ा, अगर प्योर हिंदी में भी अगर बोलो अरे चाहे आप तो संस्कृत कोई में दिक्कत बोल जाओ, लेकिन बोलना आना चाहिए। बस टॉपिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो अभी कई मैडम। बार उसमें भी नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं 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 कोई कन्फ्यूजन नहीं होती होनी चाहिए। प्योर हिंदी बोलो, लेकिन टू द पॉइंट बोलो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें बोलना सॉरी सर मुझे नहीं आता, ये झूठ सर। नहीं बोलना है। ठीक ठीक है, ओके। अभी ठीक है मैडम सर, करेगी कंटिन्यू, आप यहीं रहना ऑनलाइन ही। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सरिता। सो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं जो नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे।
फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एफ डब्ल्यू टेलर के फुल फॉर्म बताइए। फ्रेडरिक विस्लोट टेलर। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैम जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं समाज में अपने बिजनेस को रखने के लिए, मतलब ओके, डिफाइन द अथॉरिटी। मैम इनको डेलीगेट किया जा सकता है अथॉरिटी को, जैसे ये टॉप टू बॉटम होती है अथॉरिटी, किसी मतलब कार्य करने के लिए जो बॉडी देना। ओके, डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अथॉरिटी के साथ सबॉर्डिनेट और जो सबॉर्डिनेट और उनके मध्य है मतलब बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में से स्टार्ट होती है, और इनको जैसे डिफाइन द सेलर सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट सारे जो अधिकार है वो अपने पास रखता है, नीचे डिलीवर नहीं करता टॉप ओके मैनेजर। ओके, एमबीओ क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। ध्यान नहीं अभी मैम, ओके, ये यहाँ डिफरेंस बिटवीन द जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट मैम हॉरिजेंटल होता है, जैसे वर्टिकल होता है मैम जॉब एनलार्जमेंट, और इनरिचमेंट होता है इनलार्जमेंट क्या होता है? हॉरिजेंटल। वर्टिकल होता है। हाँ जी, कीजिए डिफाइन। एक सेकंड मैम, शायद कंफ्यूजन है इसमें मुझे। ओके, सोच लीजिए 1 मिनट। लार्जमेंट मैम हॉरिजेंटल होता है, और जो ओके ओके, इनरिचमेंट वर्टिकल। डिफाइन कीजिए किस तरीके से होता है। हॉरिजेंटल मैम ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे, और वर्टिकल में प्रमोशन। हॉरिजेंटल में। प्रमोशन मैम वो वर्टिकल में प्रमोशन, ओके हॉरिजेंटल में जैसे ट्रांसफर। ओके ओके, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? एफ डब्ल्यू टेलर। ओके, हेनरी फ्लोर ने प्रिंसिपल कितने दिए हुए हैं? फोर्टीन प्रिंसिपल। ओके, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच इज गिवन बाय। ब्यूरोक्रेटिक अभी एकदम से मैम याद नहीं आ ओके, रहा है मॉडर्न सही अप्रोच में। के अंदर कितने पार्ट्स में डिवाइड है मॉडर्न अप्रोच? फर्दर सब अप्रोचेस कितनी है मॉडर्न अप्रोच में? साइंटिफिक मैम और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉडर्न में आएगा ब्यूरोक्रेटिक, ये? क्लासिकल और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ये ब्यूरोक्रेटिक। ओके ओके शरीता, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए, कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर नहीं दे पाए। ट्राई कीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट करने की और भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये आपके बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, और जहां पर आप क्वेश्चन बोल रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो आप टू द पॉइंट आंसर नहीं दे रहे हो क्वेश्चन के। जैसे कि मैंने आपसे पूछा डिफाइन द अथॉरिटी, डिफाइन द अथॉरिटी अगर आपसे पूछा, तो आपको यहाँ पे रिप्लाई करना था कि एक राइट होता है, यानी कि एक राइट दिया जाता है कि जो कि सबोर्डिनेट को कमांड कर सकता है। अथॉरिटी का मतलब क्या होती है? आपके पास पावर है कि आप किसी को कमांड दे सकते हो। उसके बाद सकता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो के। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी ऑफ द सबोर्डिनेट टू परफॉर्म द जॉब असाइन टू हिम बाय हिज बॉस। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई भी अगर टास्क आपको दिया जाता है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी ड्यूटी बनती है वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सिर्फ आपको सिंगल एक लाइन के अंदर डिफाइन करना है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन आपका सही था। देन देन मॉडर्न अप्रोच, अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, तो मॉडर्न अप्रोच के फर्दर सब पार्ट्स है सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, और आपकी कंटीजेंसी अप्रोच। जो आप ये अलग डायरेक्शन में चले गए थे, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, ये तो फर्दर आपकी अप्रोचेस ही है, जो कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है।
एंड एक आपका था जॉब इनलार्जमेंट इनरिचमेंट, आपने सही बताया लेकिन आप सही डिफाइन नहीं कर पाए। अब इंटरव्यूअर कोई आपके लिए थोड़ी ना इतना टाइम वेस्ट करेगा कि आप पहले इनलार्जमेंट बताओगे फिर इनरिचमेंट फिर आप हॉरिजेंटल फिर आप वर्टिकल, इतना टाइम नहीं होता। आप टू द पॉइंट लर्न करिए, चीजों को लर्न करिए, याद करिए। इनरिचमेंट का मतलब वर्टिकल होता है या हॉरिजेंटल होता है, इनरिचमेंट के अंदर वर्टिकल आएगा, इनलार्जमेंट के अंदर हॉरिजेंटल आएगा। तो ये टू द पॉइंट आप चीजें याद कर लीजिए इन चीजों को, ये नहीं है वहां पर आपको डिफाइन नहीं करवाया जाएगा, आपको सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टू द पॉइंट आपको आंसर करने हैं। ठीक है, आशा ओके और जो भी क्वेश्चन नहीं आता करता उसके लिए बोल दीजिए सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा, उसके बाद डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अब दोबारा से डिफाइन करने लग जाते पीछे वाला क्वेश्चन, उसके बाद डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ओके तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कीजिए, इम्प्रूवमेंट करने की आपको जरूरत है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। हो जाए।